रामायण में तीन प्रकार के संस्कारों का वर्णन आया है। अयोध्या में हर संबंध कुछ सिद्धांतों के आधार पर था, पिता पुत्र, दो भाई, स्वामी सेवक, पति पत्नी, ये सभी संबंध कुछ सिद्धांतों के आधार पर नियमित थे। उदाहरण के लिए, रामचंद्र जी को वन में जाने की आवश्यकता नहीं थी अगर वो इतना ही कह देते कि दशरथ महाराज आप अपने हृदय के अंदर से नहीं चाहते तो मैं नहीं करूंगा। लेकिन क्योंकि रामचंद्र जी नियम के पक्के थे, जैसे दशरथ महाराज ने कह दिया, भले उनकी इच्छा नहीं थी, जैसी भी परिस्थितियां थी, उन्होंने विचार किया मुझे इसको पालन करना होगा। पति और पत्नी का संबंध वनवास राम को हुआ था, सीता को उनके साथ जाकर कष्ट भुगतने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन सीता के मन में यही सिद्धांत था कि पत्नी का धर्म है पति की हर परिस्थिति में सेवा करना। तो इसको कहते हैं संस्कृति। तो अयोध्या का परिवेश संस्कृति के ऊपर आधारित था और किष्किंधा का परिवेश प्रकृति के ऊपर आधारित था। प्रकृति का अर्थ क्या है? प्रकृति का अर्थ है कि कभी व्यक्ति स्वयं का भोग विचार करे और कभी सेवा का विचार करे। संस्कृति या अयोध्या के अंतर्गत केवल सेवा का ही भाव प्रधान रहता है, दूसरों को प्रसन्न करना, सेवा करना, संतुष्ट करना। लेकिन प्रकृति में कभी कभी सेवा करें, कभी कभी मनोरंजन और भोग भी लूट लें। और सुग्रीव रामचंद्र की सेवा के लिए तत्पर थे, लेकिन माल्यवंत पर्वत पर चातुर्मास के लिए जब रामचंद्र जी गए, सुग्रीव अपनी रानियों के साथ कुछ समय के लिए भोग विलास में लीन होकर रामचंद्र के प्रति किया गया अपना व्रत भूल गए। और उस समय रामचंद्र बड़े क्रोधावेश में आके लक्ष्मण को बोलते हैं, ये न संकुचिता पंता ये न वाली हतोगत समये तिष्ठ सुग्रीव मा वाली हतमन्वगाह। अरे लक्ष्मण, जाके सुग्रीव को याद दिला दो, स्मरण करा दो कि जिस मार्ग से वाली को हमने भेजा है वो मार्ग अभी भी खुला है। इसलिए संस्कृति का अर्थ है कि कभी हम भोग के मार्ग पे, कभी सेवा के मार्ग पर। तो प्रकृति अर्थात किष्किंधा। तीसरा है विकृति। विकृति कहाँ का है? लंका विकृति का प्रतीक है। लंका में क्या होता है? लंका के सारे निवासी निरंतर अपने ही भोग विलास के विषय में चिंतन करते रहते हैं। जो व्यक्तिगत भोग विलास में चूर रहे और अपने भोग विलास के लिए दूसरों को कष्ट देने के लिए भी तत्पर रहे, उसको कहते हैं विकृति। और सबसे बड़े उदाहरण है रावण। रावण शब्द का अर्थ ही है दूसरों को कष्ट देना अपने आनंद के लिए, दूसरों को रुलाना अपने मुस्कान के लिए। और इस प्रकार लंका का हर निवासी ऐसी भावना से युक्त था। आधुनिक समाज में विकृति की भावना बढ़ती चली जा रही है। हर एक व्यक्ति स्वार्थ पूरित विचारधारा से पूर्ण है और इसीलिए कलयुग में शनै शनै पारिवारिक संबंध स्खलित हो रहे हैं। हर प्रकार के संबंध में दरार आ गई है और हमें चाहिए कि कम से कम हम प्रकृति की ओर बढ़ते हुए वास्तव में संस्कृति को अपने जीवन में अपनाएं, जहां पर निस्वार्थ सेवा भाव के साथ दूसरों को संतुष्ट करना ही जीवन का लक्ष्य बने। इस प्रकार अयोध्या की संस्कृति, किष्किंधा की प्रकृति और लंका की विकृति, ये रामायण का सार तत्व है। हमें चाहिए कि हम अयोध्या की संस्कृति से प्रेरित होकर अपने जीवन को उसी दिशा में ले चलें।